हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुगलों के राज में बहुत सारे सल्तनत में बहुत सारे राजा महाराजा रहे हैं, बहुत सारे सुल्तान रहे हैं, अकबर से लेके जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सभी मतलब नाम मैंने भले ही सीक्वेंस में ना बोले हो, बट जब मुग़ल राज था, गोल्डन पीरियड, अकबर के पीरियड को कहा गया था मुग़लों के लिए, और हिंदुस्तान पर बहुत सारे लंबे समय तक मुग़लों ने राज किया था, ये सत्य है, हिस्ट्री से हमें पढ़ा भी है हमने। लेकिन औरंगजेब के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर है, गलत और अच्छी दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो प्रज्ञा नाम की लेडी है, इन्होंने एक एनालिसिस किया है कि मुग़लों में औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, पूरी कहानी आज जानिए। देखिए, अच्छाई और बुराई हिस्ट्री के अंदर हर इंसान के पहलू लिखे होते हैं। कभी कभी मुस्लिमों को गलत साबित करने के लिए हम सिर्फ बुरी चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन हर पहलू में हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ होती है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर ये टाइटल है आज का, औरंगजेब अच्छा था या बुरा था। बुरा था तो उसने क्या बुरा किया, और अच्छा था तो कौन से अच्छे काम किए। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या है एनालिसिस प्रज्ञा के थ्रू ये, और इनकी वीडियो का मतलब हम इनका कंप्लीट देखना, और इनकी वीडियो को भी लाइक करके जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर चुनाव में मुगल काल का कोई ना कोई बादशाह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनने में मदद करता है। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव है। कुछ लोगों ने फोन पर गुजरात में पैदा हुए मुगल शासक औरंगजेब का स्टेटस लगा लिया और बवाल किया। इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष औरंगजेब ही होने वाले हैं, ये तय है। औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। हर राज्य और जिले के लिए टारगेट किया गया है, मुगल बादशाह सेट है। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए बाबर और अकबर फिक्स है। वैसे ही महाराष्ट्र के लिए औरंगजेब का चयन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिस औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि वो रोज जब तक 10,000 ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख लेता था, तब तक खाना नहीं खाता था, तो ये शायद झूठी है बात है, पूरी झूठी है कहानी। अगर वो रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था तो फिर 49 साल उसने राज किया, इतने सालों में कितने ब्राह्मणों को मार डाला। औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था, हिंदुत्व खत्म कर देता यार, तो फिर मंदिर बनवाता क्यों था। जब औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो फिर वो सबसे अच्छा वीणा कैसे बजा लेता था। जब वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था तो फिर उसके सेनापति राजपूत कैसे थे। औरंगजेब और मराठों का वो क्या किस्सा था जिसे आप महाराष्ट्र में जिंदा करके हिंदुत्व वाली पार्टी वोटों का शिकार करने के लिए तैयार बैठी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुगलों की कहानी शुरू होती है बाबर से। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, और शाहजहां का लड़का हुआ औरंगजेब। औरंगजेब की माँ का नाम अकबर से हुआ था, हाँ, वही मुमताज जिनके नाम पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वो औरंगजेब मुमताज के छठवें लड़के का नाम, छठवें लड़के। औरंगजेब को शाहजहां बहुत इधर उधर युद्धों में रखा करते थे, बहुत जगहों का सूबेदार बनाया, लेकिन औरंगजेब को तो बादशाह बनना था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, भाई दारा शिको को विश्वासघात के आरोप पे फांसी पर लटका दिया और खुद दिल्ली में ताज पहन लिया। राजा तो इस तरीके से नेता लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, बस लोकतंत्र है तो फांसी पर नहीं, फांसी पर नहीं लटका सकते, लेकिन रास्ते से जरूर हटाते, ये यूज तो किया जाता है। औरंगजेब ने अकबर से ज्यादा मुगल सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन मराठों ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, वही मराठे जो महाराष्ट्र में। अब आपको औरंगजेब की डीपी और बवाल की क्रोनोलॉजी समझ में आने लगी होगी दोस्तों। अंग्रेजों ने औरंगजेब को कैसे इस्तेमाल किया, अब बात आती है कि औरंगजेब कैसा था, ये दुनिया को किसने बताया। दोस्तों औरंगजेब पर बहुत कुछ लिखा गया, इतिहासकारों के नए नवीन शोध बताते हैं कि औरंगजेब की ये छवि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए गढ़ी, क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति ही बंटवारे की थी, वो भारतीय इतिहास को हिंदू मुसलमान के धार्मिक चश्मे से देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल और मध्य काल को हिंदू और मुस्लिम काल कहा, लेकिन अपने ब्रिटिश काल को ईसाई काल कहने के बजाय ब्रिटिश काल ही कहा। इसी तर्ज पर मराठी छत्रपति शिवाजी को एक हिंदू शासक के रूप में पेश किया और औरंगजेब के साथ उनके लंबे समय तक चले संघर्ष को हिंदू बनाम मुस्लिम संघर्ष बना दिया, जबकि शिवाजी की सेना में मुसलमान और औरंगजेब की सेना में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे, और दोनों के बीच संघर्ष का आधार सत्ता और अधिकार था, धर्म नहीं। दोस्तों दूसरे मुगल शासकों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू उसका शासन संभालने में मदद करते थे,
ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब 15 करोड़ लोगों पर शासन करता था। उसके पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के तमाम पदों और दरबार के दूसरे अहम पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। लेकिन ये बताते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापतियों के हाथ में ही होती थी। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना में बतौर सेनापति शामिल थे। जजिया कर, अब बात जजिया कर पर भी कर लेते, क्योंकि जजिया कर के बारे में औरंगजेब से जुड़ी हुई कहानियां बहुत सारी कही जाती हैं। दोस्तों, जो जजिया कर अकबर ने राजपूत कन्या जोधा से विवाह करने के बाद खत्म कर दिया था, वो कर दोबारा औरंगजेब ने लगाया। जजिया कर मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। औरंगजेब के अत्याचार की कहानी बताते हुए पूरे जजिया कर के बारे में कभी नहीं बताया गया, क्योंकि यह उच्च वर्ग को इस कर से छूट थी। इतिहासकारों के मुताबिक जजिया कर उस समय के हिसाब से था। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे से बाहर थे। इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा धार्मिक कर ज़कात था, जो हर अमीर मुसलमान को देना जरूरी होता था। आज के हिसाब से जजिया कर एक पक्षपाती कर है, क्योंकि इसमें हिंदुओं को 5% और मुसलमानों को 2.5% कर चुकाना होता था। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन औरंगजेब के बारे में ये बताते समय हिंदू मुसलमान को बांटने वाले मुसलमानों पर लगने वाले ज़कात के बारे में छिपा ले जाते हैं। आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया एक पक्षपाती व्यवस्था थी। राष्ट्र, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह के भेद नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमानों पर इसे देखते हैं, तो ये अराजक व्यवस्था लग सकती है। लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में उसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से में मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वो मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह किसी भी व्यवस्था से बाहर थी। जैसे आज भारत हिंदू मुसलमान सबका है, लेकिन यह पक्षपाती ही है कि हिंदू धर्म गुरु भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुले मंचों से कहते हैं, इस पर सरकारें कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर कोई मुसलमान भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने की बात कह दे तो क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। डेफिनेटली। क्या औरंगजेब मंदिर तोड़ता था? दोस्तों, अब बात आती है कि औरंगजेब मंदिरों को क्यों तोड़ता था, उसको मंदिरों से आखिर क्या दुश्मनी थी। तो सच ये है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज्यादा बनवाए। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना एक दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ करता था तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी, या जिन मंदिरों से औरंगजेब की खिलाफत करने वालों को मदद होती थी। ईटन के मुताबिक उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं होता था। इसको आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानियों के छिपे होने की वजह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अब इस बेसिस पर इंदिरा गांधी को ऐतिहासिक विरोधी गुरुद्वारा तोड़ने वाली भी कह सकता है, लेकिन सच क्या था वो आप जानें। सही बात है। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े से ज्यादा मंदिर बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम अतर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हुए कहते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने, सबके नाम है। जिस मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा लिखित किताबों में विशेष जिक्र नहीं मिलता। 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 और 1990 के बाद खत्म होना शुरू हुआ था। अब बात संगीत की भी कर लेते हैं कि क्या सच में औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था? तो दोस्तों, औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये बात सही नहीं है।
इतिहासकार कैथरीन बताती हैं कि सल्तनत में तो क्या संगीत पर उन्होंने अपने दरबार में भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। औरंगजेब ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी उसी दिन से हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ रचना में औरंगजेब नाम शामिल है जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब खुद संगीत का अच्छा जानकार था। मिराते आलम में बख्तार खान ने लिखा है कि औरंगजेब को संगीत का विशारदों जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फकीरुल्ला ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था। कहते हैं कि आजम शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था। अगर औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था तो फिर उसके समय में ही सबसे ज्यादा संगीत की किताबें क्यों लिखी गई। दक्षिण में मराठों ने औरंगजेब की बैंड बजा रखी थी। औरंगजेब चाहता था कि उसका शासन पूरे दक्षिण भारत पर हो, लेकिन मराठों की बहादुरी के आगे उसको घुटने टेकने पड़ गए। 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना को लेकर के दक्षिण भारत सब में होती है। आखिर 25 साल तक उसने वहीं पर अपना अभियान चलाया। 50 सालों तक शासन करने के बाद मृत्यु दक्षिण के अहमदाबाद में 3 मार्च 1707 में हो गई। औरंगजेब के बारे में ये भी कहते हैं कि वो भोग विलासता में डूबा हुआ शासक था। लेकिन इतिहासकार एक तथ्य और बताते हैं कि वो कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपियां सिलकर जो पैसे इकट्ठा किया करता था, उसने कहा था, यानी औरंगजेब ने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार उसी पैसों से किया जाए। औरंगजेब की कब्र आज भी औरंगाबाद जिले के खुल्दाबाद में है। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर भारत में राज करना है तो फिर हिंदू और मुसलमान को बांटना पड़ेगा, और उन्होंने बड़ी चालाकी से बांटा। राजा जब राज करता है तो उसके निर्णय कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने सारे मंदिर तहस नहस करवा दिए थे, लेकिन इतिहासकार ईटन कहते हैं कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनकी संख्या 15 से ज्यादा नहीं थी, और मंदिर तोड़ने का कारण धार्मिक कभी नहीं था। धार्मिक कभी नहीं। दोस्तों, एक और बात है, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब मंदिर तोड़कर रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, तो भड़क ही मत। उनसे सवाल कीजिए कि एक दिन 10,000 के हिसाब से एक साल में 36 लाख ब्राह्मण हुए और औरंगजेब ने राज किया 49 साल, तो साल में 36 लाख को निपटाता था, तो 49 साल में कितने हुए, हिसाब जोड़ करके जरा कमेंट में लिखिएगा। और याद रखिएगा, वो 15 करोड़ प्रजा पर राज करता था। तो दोस्तों, बहकावे में मत आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। औरंगजेब का वीडियो किसी भड़काने वाले के पास नहीं है, वीडियो छोड़ दीजिए, फोटो तक नहीं है, सिर्फ एक पेंटिंग ही है। इसीलिए अंग्रेजों के चमचों के लिखे हुए इतिहास के अलावा भी दूसरे इतिहासकारों को भी पढ़िए। ये लड़ने का विषय नहीं है, ये पढ़ने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये जानकारी का विषय है। नमस्कार। वाओ, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ यार, इससे बेस्ट वीडियो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने नहीं देखी है। मतलब महारत हासिल है इनकी, इसी वजह से मैंने इनका नाम स्पेशली रिकमेंड किया है, एनालिसिस बाय प्रज्ञा। और इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, और देखिए ये सच्चाई है। मतलब काफ़ी मैंने ये हमेशा ये से ये बोला है कि हिस्ट्री के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो हमें बताया जा रहा है, एक पहलू जो रियल है, जो दिखाया नहीं जाता हमें। तो आप लोग ये देखिए, और ज़्यादातर इन्होंने कहा ब्रिटिश लोगों ने ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ आज तक भी वो इसका यूज़ करते हैं हिंदू और मुसलमान करने के लिए देश में। ब्रिटिश बाहर के लोग हैं और हिंदू मुसलमान हमारे घर के अपने भाई बहन हैं, हमारे देश के लोग हैं। तो हमारे देश में घर में लड़ाई करवाते हैं बाहर वाले, वही वाला सीन है। ब्रिटिश लोग आज भी हिंदू मुस्लिम को यूज़ करके हमारे देश में दंगे फसाद नफरत फैलाते हैं, और कुछ नेता भी करते हैं इस तरीके से, मीडिया भी करते हैं। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है कि अपने ही देश में नेता और जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं कुछ, वो इस तरह के दंगे फसाद सिर्फ मुस्लिम हिंदू के ऊपर फैलाते हैं। तो ये बातें बहुत ही अजीब है और बहुत ही दुखदेह है, लेकिन ये वीडियो हमें आँखें खोल दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, राय करना अपनी कमेंट में, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मैं अपने दिल से आपको शुक्रिया, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।